Dear students, in second video lecture, I am discussing the topic electric field measured in different frame of reference. Vibhinn nirdesh tantra mein vidyut kshetra ka mapan ya the transformation of electric field. Is topic ko hum yahan pe discuss kar rahe hain. Isko discuss karne ke liye let us consider two frame of reference. Main yahan par do frame of reference le raha hu, ek S frame hai aur dusri S dash frame hai. S dash frame jo hai wo yahan par suppose karo इस S frame के respect में constant V velocity से move कर रही है. Now we consider a seat. यहाँ पर मैंने एक plain seat को लिया हुआ है जिसका surface charge density sigma है. यहाँ पे इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो sigma है. यहाँ पे ये जो आपकी जो plane है, जो seat है, वो xy plane के अंदर रखी हुई है. तो xy plane जो है वो आपका इस plane के अंदर इसको रखा हुआ है. यहाँ पे जो आपने प्लेन लिया हुआ, इस प्लेन का जो लेंथ है वो स्क्वायर शेप में है और एल इंटू एल लेंथ है. इस प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो जेड डायरेक्शन की तरफ हो रही है. जेड डायरेक्शन की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विथ रेस्पेक्ट टू एस. तो यहाँ पे जेड डायरेक्शन के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करें, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेन्स विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय ई जेड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को मैं यहाँ पे ई जेड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ. यहाँ पे आपने के कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है ई जेड को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी जेड डायरेक्शन में है और ये जो जेड डायरेक्शन है वो द मूविंग ऑफ द एस डैश फ्रेम उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जेड कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर, जेड डायरेक्शन के अंदर, और ये जो प्लेट है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. सो द मोशन, सॉरी, जो फ्रेम है वो एस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है. सो द मोशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस प्रकार यहाँ पे एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर यहाँ पे इन प्लेट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको मेजर करें तो वो सिग्मा डैश होगी. तो यहाँ पे सिग्मा डैश और सिग्मा के बीच में जो रिलेशन है वो आपका इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है. सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. इस तरह से अगर आप यहाँ पे जेड जेड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाले एस डैश के रेस्पेक्ट में तो ई जेड डैश बन जाएगा और सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा डैश की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है. तो इस कंपोनेंट के अंदर जो चेंज है ई जेड डैश इक्वल टू ई जेड अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ पे हमने इसको के डैश के कैप वेक्टर से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है. सेकेंड केस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. अब सेकेंड केस के अंदर यहाँ पे एस फ्रेम है जैसे एक्स वाई और जेड. इस एस फ्रेम के अंदर अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो आपकी सीट है, प्लेन सीट जो है वो अब यहाँ पर वाई जेड प्लेन के अंदर है. तो वाई जेड प्लेन जो है वो आपका ये है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगी. तो यहाँ पे जो एस डैश फ्रेम है वो भी आपका एक्स डायरेक्शन की तरफ ही मूव कर रहा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है. तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके मोशन की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है. तो पैरेलल डायरेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई एक्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स डैश है. तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं. अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एक्स, इसको लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई एक्स आई कैप से इसको रिप्रेजेंट किया जो एस डैश एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है. इस तरह से एक्स एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में जो होगा वो क्या होगा ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स डैश ई कैप. अब जिस डायरेक्शन के अंदर फ्रेम मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेजर कर रहे हैं. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर रिलेटिविटी इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा ही रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर मोशन जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस केस में यहाँ पर अब एस डैश को फाइंड आउट करें तो ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स डैश आई कैप और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप को ही रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ पर हम कहेंगे ई एक्स डैश और ई एक्स जो है वो दोनों यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये दोनों जो वैल्यूज़ है ये दोनों वैल्यू सेम होगी. तो फाइनली आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स, ई एक्स डैश जो है वो ई एक्स के इक्वल होगा. थर्ड केस ले रहा हूँ, इफ़ द चार्ज सीट इज़ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस.
एंड इन एक्स जेड प्लेन. अब मैं एक्स जेड प्लेन ले रहा हूँ, इसके अंदर ये आपने रखा हुआ है, और वाई एक्सिस जो है वो आपका यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो वाई की तरफ होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट होगा, लेकिन जो एच डैश फ्रेम है वो भी केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रही है. तो अगेन इसके अंदर वापस रिलेटिविटी इफेक्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में सिग्मा डैश हो जाएगा. तो सिग्मा डैश इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. अब मैं सबसे पहले एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता हूँ, तो ई वाई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगेन एस डैश के रेस्पेक्ट में, तो ई वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा डैश की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी है, और ये वैल्यू पुट करने के बाद मैं ई वाई डैश इक्वल टू ई वाई अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट होगा. तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो ई वाई डैश और ई जेड डैश, इन दोनों के अंदर रिलेटिविटी इफेक्ट आ रहा है. लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रही है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल में है, तो उस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन के अंदर फ्रेम मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मेजर कर रहे हैं, तो उस पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा. बट जब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आप मेजर कर रहे हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया. उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पे जेड डायरेक्शन के अंदर मेजर कर रहे हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रही है, सभी फ्रेम में ये एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा. और जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो उसमें रिलेटिविटी इफेक्ट होगा. तो फाइनली हम बात करते हैं, when we consider the perpendicular component of the electric field, then again the relativity effect is produced. So finally we can say that there is no relativity effect in parallel direction, but there is a relativity effect in the perpendicular direction. जब भी आप electric field को लेंगे तो electric field की direction और frame की direction same होगी, तो relativity effect नहीं होगा. electric field की direction ऊपर की तरफ है और फ्रेम इधर मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो उस केस में रिलेटिविटी इफेक्ट होगा. सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. थैंक्स. नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. स्टे होम सेफली, कीप डिस्टेंसिंग एंड रिमूव द कोरोना.